भाइयों फर्स्ट पप्पी आ चुका है। हाँ किट्टी तू मम्मा बन गई भाइयों। जो फर्स्ट पप्पी आ जाए तो फीमेल जैसे भी मतलब अपने पप्पी को करती है ना, ये जो होती है इसको कैप बोलते हैं, इसको जो भी है तो इसको अपने आप करने देना। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, तो स्वागत है आप सबका मेरे डॉग लवर्स कुलदीप चैनल में। तो आज हमारी किट्टी की डिलीवरी है भाई, डिलीवरी हो रही है इस टाइम, प्रोसेस चल रहा है। मैं जस्ट अभी ट्यूशन से आया और भगवान का शुक्र है जल्दी आ गया, और बस आते देखा तो किट्टी डिलीवरी स्टार्ट डेस्क की। आया 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 आया। तो भाई डिलीवरी का प्रोसेस तो स्टार्ट है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इतना टाइम क्यों ले रही है। मतलब सुबह 9 बजे इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो गई और अब देखो अब 11:30 बज चुके हैं, फिर मैंने डॉक्टर को कॉल करा। डॉक्टर ने बोला कि भाई आप 12-12:30 बजे तक वेट कर लो, पप्पी हो गया तो ठीक है वरना फिर ले आना, तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, फिर तो सीधी सी बात है ऑपरेशन ही होगा। तो अभी मैंने इसको घी दिया है और थोड़ा सा गुनगुना दूध दिया है, तो उससे थोड़ा सा सहयोग मिलेगा। मतलब अगर डिलीवरी जी दिक्कत कर रही हो ना होने में डॉग को, तो फिर सबसे अच्छी बात है कि आप उसको थोड़ा सा घी और थोड़ा सा दूध गुनगुना करके वो दे दो। वो पीती तो है नहीं ऐसे टाइम पे दर्द में, मगर आपको पिलाना पड़ेगा, आपको सिरिंज वगैरह से उसको अच्छे से पिलाओ। तो क्या होगा उसके पेट में थोड़ी सी जो गर्माहट आएगी तो उससे पप्पी का प्रोसेस थोड़ा अच्छा रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चीज़ का ध्यान रखना। और भाई डिलीवरी के टाइम पे आप अपने हाथों पे ग्लव्स वगैरह पहन के रखें और अपने पास एक फ्रेश ब्लेड रखें क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और एक फ्रेश धागा, इन सब की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी और इन सबको अपने पास में रखना चाहिए। तो भाई डिलीवरी टाइम पे जब लग रहा है आपको कि हाँ भाई इसका पूरा टाइम हो चुका है आज, इसका मतलब हो सकती है इसकी डिलीवरी, जब आपको पता हो डेट वाइज आपको, तो आपको क्या करना है कि 1 या 2 दिन पहले मतलब उसको थोड़ा थोड़ा अंडा देना स्टार्ट कर देना है। तो उससे क्या होगा जल्दी दर्द बनने स्टार्ट होंगे और फिर डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो अच्छे से होगा, और फीमेल के अंदर भी थोड़ी बहुत ताकत होगी तो अच्छे से वो कर पाएगी डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे फीमेल खाती तो कुछ है नहीं। तो क्या होता है कि उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती, तो बहुत सी बार होता है कि फीमेल बेहोश हो गई या ऐसा कुछ होता है ना, तो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि उसको ऐसा कुछ खाने के लिए दे कि वो अच्छे से उसके अंदर ताकत रहे, क्योंकि रोटी वगैरह तो छोड़ देती है और अंडा वगैरह खा लेती है, तो अंडा या फिर पेडिग्री ऐसी चीज़ उसको खिलाए। भाइयों जब भी आपकी फीमेल डिलीवरी में टाइम ले रही हो ज़्यादा, तो उसको थोड़ा सा गुनगुना दूध, थोड़ा सा ही बस 10 या 20 ml, और उसमें 10 ml घी ये ज़रूर दे दें डिलीवरी टाइम पे। भाइयों फर्स्ट पप्पी आ चुका है। हाँ किट्टी तू मम्मा बन गई। भाई जो फर्स्ट पप्पी आ जाए तो फीमेल जैसे भी मतलब अपने पप्पी को करती है ना, ये जो होती है इसको कैप बोलते हैं, इसको जो भी है तो इसको अपने आप करने देना चाहिए, तो खुद करते ना प्रॉब्लम हो जाती है, फीमेल अपने हिसाब से खुद कर लेती है, इसको निकाल लेती है इससे बाहर, अपने आप निकाल देगी और बिल्कुल साफ भी कर देगी इसको। तो फाइनली फर्स्ट पप्पी आ चुका है भाई, बहुत मशक्कत के बाद ये एक पप्पी आया है। पूरे 3.5 घंटे लगे इसको, 3 घंटे 40 मिनट पूरी पूरी। जी बाहर निकाल रहा है।
तो अब फीमेल इसको अपने हिसाब से इसको क्लीन कर रही है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जैसे कि अभी टून चाटेगी, देखो अभी जब टून चाट रही है ना, तो ये टून को धीरे 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 काटना शुरू कर देती है अपने दांतों से। बट बहुत सी बार ऐसा होता है कि टून काफ़ी छोटा होता है और ये उसको ना जड़ से काट देती है, तो टून ना फूल के बाहर निकल आता है। तो उससे क्या होता है कि पप्पी की जो आंतें होती है ना वो बाहर निकल आती है, तो उससे पप्पी की डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि उसको ध्यान रखें कि वो ज़्यादा काट ना पाए, लिमिट में रहे, है ना, क्योंकि अगर वो लिमिट से ज़्यादा काट देगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी पप्पी को। फिर अभी धीरे धीरे काट रही है तो सही है, अपने हिसाब से कर लेगी, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि दांत लग जाता है गलती से, है ना, तो उस चीज़ का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। किसी कर दी अपने बेबी को किसी कितना क्यूट लग रहा है। तो भाइयों फाइनली दो बेबी हो चुके हैं और तीसरा अभी स्टार्ट है, उसकी डिलीवरी होने वाली है तीसरे वाले की, पता नहीं मेल है फीमेल है, अभी स्टार्ट है। और दो बेबी है, बहुत क्यूट से है, एक मेल है एक फीमेल है, पहला मेल है और दूसरी फीमेल है। अब तीसरे का वेट कर रहे हैं। इस टाइम इसको मतलब इतना पेन हो रहा है ना, और बस बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझसे तो देखी भी नहीं जा रही यार ये। देखो पप्पी देखो कितने क्यूट है, ये ब्लड में सन रहे हैं अभी, इसमें ने इनको कॉटन से वैसे साफ़ किया। और आपको सबसे जो खास बात है, आपको ध्यान रखना है, जैसे कैप आ रही है ना, जैसे फीमेल देखो ये किट्टी इसको चाट रही है, तो इसका ध्यान रखना है, चाटने तो देना है लेकिन ये फोड़ ना दे इसको, ये ना फट जाती है, कैप होती है ये। तो उससे क्या होता है कि जो पप्पी आ रहा होता है ना, तो पप्पी का मुँह होता है पहले बाहर, तो पप्पी के मुँह में ना गंदा पानी चला जाता है, तो उसकी वजह से 100% ये चांस हो जाते हैं कि पप्पी की डेथ हो जाती है। और भाइयों एक चीज़ का और ध्यान रखना आपको कि जब पप्पी की डिलीवरी हो जाए तो उनको ना टूंड होता है, तो टूंड वो फीमेल की जो जेल होती है ना उससे कनेक्ट होता है, तो उसको बहुत ध्यान से काटना होता है, मतलब 1 से 1.5 इंच, मतलब 1.5 इंच से ऊपर आपको उसमें धागा बांध के और उसको फ्रेश ब्लेड से उसको काट दो, तो वो आपको ध्यान रखना है। वैसे फीमेल काट देती है खुद, लेकिन अगर वो नहीं काट पाती, छोटा टूंड होता है, तो उसको आपको ही करना होता है, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखना है। और भाइयों वही हुआ जिस बात का डर था, किट्टी ने अपनी कैप को ना फाड़ दिया था और पप्पी के मुंह में गंदा पानी चला गया था और नाक में भी। फिर उस टाइम पे आपको सबसे पहले जो करना है वो पप्पी को उल्टा पकड़ ले और उसकी कमर पे हल्का हल्का थपथपाए और फिर उसकी नाक को हल्का सा पुश करे और उसको अपने मुँह से सांस देने की कोशिश करे, 100% आपके पप्पी के अंदर सांस आ जाएगी और वो फिर से चल उठेगा। लेकिन ये सब करने में कम से भी कम 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। कभी आप सोचो कि यार ये तो चला गया, तो ऐसा नहीं सोचना और अपना टाइम पूरा देना 100%। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपके पास आती रहे। और जिस किसी भाई को पप्पी परचेस करने हैं तो वो परचेस कर सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे। दो मेल है एक फीमेल है।